मेरा प्यार भरा नमस्कार मेरे व्यूवर्स के लिए। आज मैं लेकर आई हूँ लहसुनी मेथी आलू की रेसिपी। आइए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। लहसुनी मेथी आलू बनाने के लिए ये मैंने लहसुन लिए, गार्लिक, इसको मैंने फाइनली चॉप कर दिया। 3 से 4 मैंने आलू लिए मीडियम साइज के, और ये मैंने साबुत लाल मिर्ची ली है, और ये है हमारी मेथी। मसाले मैं आपको अकॉर्डिंगली बताती जाऊंगी कि मैंने क्या क्या मसाले इसमें डाले हैं। तो आइए चलिए बनाते हैं अपनी लहसुनी मेथी आलू। लहसुनी मेथी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को अच्छे से हीट कर दिया। अब इसमें मैं सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। अब आप अपने सरसों के तेल को अच्छे से हीट होने देंगे। तेल हमारा हीटअप हो चुका है। अब इसमें मैं सारी लहसुन डाल दूंगी अपनी, और लाल मिर्ची ऐसे तोड़ के डाल देंगे। अब इसमें अपने आलू डालेंगे। आलू को थोड़ा सा हम भून लेंगे, उसके बाद ही अपनी मेथी डालेंगे ताकि ये आधे पक जाए। बीच बीच में हम आलू को चलाते रहेंगे। अब हम अपने आलूओं के अंदर मेथी, धुली हुई मेथी डाल देंगे। अच्छे से इसको मेथी को मिक्स कर देंगे आलू के साथ। मैं वैसे मेथी को काटती नहीं हूँ, बस पत्ते निकाल के ऐसे ही बनाती हूँ। अब इस स्टेज पे हम अपने सारे मसाले डालते जाएंगे। हल्दी ले रही हूं मैं करीबन 1/2 चम्मच, लाल मिर्ची ले रही हूं करीबन 1 चम्मच, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम या बढ़ती। गरम मसाला 1/2 चम्मच, ये आमचूर मसाला 1 चम्मच के करीब लिया मैंने, और ये सूखा धनिया 2 चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार। क्योंकि मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही तो खटास आने के लिए इसमें हम अमचूर डालेंगे। आप चाहे तो अनारदाना भी डाल सकते हैं, और समटाइम्स मैं नींबू भी डाल देती हूँ। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं सिर्फ ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी, और 5 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। अब हम अपनी इसको प्लेट को ढक्कन को ढक के देखेंगे। आलू हमारा पक
पक चुका है। बस इसको 2 मिनट ऐसे ही हमने चलाना है और उसके बाद हमारा लहसुनी मेथी आलू बनके तैयार है। तो इसको मैंने 2 मिनट भूना है और ये हमारी लहसुनी मेथी आलू बनके रेडी है। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही यम्मी बनती है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई हो। इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।